अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर बबीना में रहने वाले अनिल अग्रवाल की आंखों के सामने 30 साल पहले के वेद रस घूम जाते हैं, जिनमें वो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार सेवकों की सेवा करने में लगे हुए थे। अनिल के अनुसार कार सेवा के दौरान अयोध्या और कुछ कर रहे नीमच और अन्य स्थानों के सैकड़ों कार सेवकों को बबीना में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन सभी को बबीना के महर्षि वाल्मीकि विद्यालय में बनाए गए अस्थायी जेल में रखा गया, लेकिन उस समय प्रशासन ने इन कार सेवकों के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की थी। अनिल अग्रवाल बताते हैं कि उस समय उनके पिता सेठ स्वर्गीय राजेंद्र अग्रवाल ने इनकार सेवकों की खाने पीने की जिम्मेदारी उठाई और प्रतिष्ठित व्यापारी होने के बाद भी वे स्वयं अपने हाथों से खाना खिलाकर महर्षि वाल्मीकि विद्यालय में जाते और कार सेवकों को परोसकर खिलाते। अपने पिता को ये सब करते देख अनिल ने भी अपने अंदर उत्साह भरा और कार सेवकों की एक छोटी सी उम्र में सेवा करने की अपने मन में ठान ली और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने प्रतिदिन कार सेवकों को अपने पिता के साथ अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। अनिल अग्रवाल को याद भी नहीं है कि वो कितने दिनों तक चला, उन्हें केवल इतना याद है कि उनके पिता ये कहते थे कि वो अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन उनके दादा उनके पिता को केवल इसलिए रोकते थे क्योंकि उनके चाचा चाची का उस समय देहांत हो गया था। आज भी 1990 को याद कर अनिल न केवल रूठ रोमांचित होते हैं बल्कि अपने पिता की जनसेवा का स्मरण कर अपनी आंखों से आंसुओं को भी पोंछते हैं। अनिल को केवल एक बात का भी मलाल है कि वो अयोध्या में होने वाले शिलान्यास में नहीं जा सके। राम जन्मभूमि को, भगवान राम को वहाँ भव्य मंदिर के रूप में स्थापित किया, उसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं। और मुझे एक घटना याद आती है, आज से 10-12 साल पहले मैं अपनी पत्नी के साथ अयोध्या गया था दर्शन करने। तब वहाँ हम लोग, हम और पत्नी और हमारे बच्चे, भगवान राम के दर्शन करने जब गए तो भगवान राम टेंट में बैठे हुए थे। बड़ा कष्ट हुआ, मेरी पत्नी भी बोली कि सतयुग में भगवान को 14 साल का वनवास था, लेकिन यहाँ तो भगवान का पता ही नहीं कब तक वनवास रहेगा। हमारे भगवान टेंट में बैठे हुए हैं, सर्दी बारिश सब झेल रहे हैं, पता नहीं भगवान को कब स्थापित होंगे। हृदय में आशा तो लगी थी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मंदिर बनेगा। आज तो आशा खत्म हो गई, आज तो मंदिर बनने की ओर अग्रसर हो गया। साल, 1.5 साल, 2 साल में मंदिर बन के भगवान राम उसमें स्थापित हो जाएंगे। आशा। अनिल अग्रवाल, अग्रवाल जी, अयोध्या उसको लेकर जो आज पूजन हुआ है, उसमें आपका किस तरीके से झांसी का योगदान रहा है, किस तरीके से उसकी भूमिका? झांसी की भूमिका जो है इसमें बहुत ऐतिहासिक रही है। और झांसी ज़िले में एक कस्बा पड़ता बबीना, मैं वहाँ से आता हूँ। और 1990 में वहाँ पे बहुत सारे कार सेवक रोके गए थे, उनको बंदी बनाया गया था अस्थाई जेल में। वहाँ मेरे पिताजी और हम लोगों ने मिलकर सब वहाँ उनकी स्वयं सेवा की थी, खाने की व्यवस्था वहाँ की थी। और झांसी में भी राम मंदिर को लेके बहुत सारी गतिविधियाँ चली। झांसी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने झांसी के आज सांसद माननीय श्री अनुराग शर्मा जी के पिताजी श्री विश्वनाथ शर्मा जी ने, जो बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग, बहुत ज़्यादा सहभागिता की। तो झांसी आज जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, उसमें झांसी की बड़ी ऐतिहासिक भूमिका रही है। मेरी उम्र उस समय रही होगी 15 साल। 15 साल में मैं अपने पिताजी के साथ कार सेवकों की सेवा में लगा रहा और वहीं से एक हिंदुत्व की और अयोध्या में राम मंदिर की जो भावना जागृत हुई, वो आज 30 साल बाद भी हमारे हृदय में है।
बाद जो भूमि पूजन हुआ 500 साल 400 साल बाद, उसमें क्या मतलब आपको लगा है, किस तरीके से अच्छा रहा या क्या है? जन्मभूमि मंपुरी सोहावन, उत्तर दिश वह सरजू पावन। 492 साल में कई बार राम जन्मभूमि को लेके कई बार संघर्ष हुए, कई बार व्यवस्थाएं हुई, लेकिन आज निर्णायक मोड़ पर आकर भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में राम राज्य की परिकल्पना स्थापित हुई। और इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को साधुवाद और हाथ जोड़ के अभिनंदन वंदन करते हैं।